ये मुझे भाई बिग बॉस से ताश आ सकता है। ये मुझे बिग बॉस से जेल पूरा कैमरा डालेगा अंदर, देख ले पहले बुलवा दो। यही बब्बड़ लग गया भाई, जेल में हो गए अभिषेक भाई, जेल में भाई। अभिषेक भाई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि विनर आप ही ओरिजिनल में, क्या आप बोलना चाहते हो? इधर बोलो। बस खुशी होती है जब ये सब सुनने को मिलता है। तो जो अरे कोई बात नहीं यार, अली के बाद करना होगा। क्या बात है ध्यान से भाई आ जाओ बैक। लोगों क्या हुआ ये रहा बैकड्रॉप। आराम से भाई, आराम भाई। यहाँ से अभिषेक भाई, यहाँ पर अभिषेक भाई यहाँ से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करो। अभिषेक भाई यहाँ पे, अभिषेक भाई इधर से स्टार्ट करो। नहीं इधर से करो अभिषेक भाई। यहाँ पे सुनो, ठीक है नहीं चलती। अभिषेक भाई सेंटर में, अभिषेक भाई यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भाई। बर्थडे नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, बट थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार। हाँ, मुझे बोला जा रहा था कि लड़की नहीं मिलेगी, वैसे तो अभी भी नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी, नहीं अभी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तू काम पे ध्यान दे ले, और लड़की कर लिया अभी, थोड़ा करियर पे ध्यान दे। खानजादी क्या होगा अभी? खानजादी और मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया, हमारी बात हो गई है जरूर, बट वो अभी मिल नहीं पाया हम, बट जल्दी मिलेंगे। क्योंकि मैं 2 दिन शूट पे चला गया था और वो भी अपना गाना रिलीज कर रही थी, तो अभी फ्री होती है। महराज खानजादी और अनुराग का मीटअप हुआ है, देखा, मेरी बात भी हुई, तो वो दोनों बहुत खुश हैं और मैं भी जल्दी मिलने वाला हूँ। होपफुली जल्दी ही मिलूँ। मैं भी अब मिलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा सेटल सा हो गया, पहले मैं थोड़ा टायर्ड था, सेटल नहीं हो पा रहा था। इसलिए किस टाइप के सॉन्ग है जो वेल करके आपने चंडीगढ़ रोमांटिक सॉन्ग है? और ये 12th फेब को रिलीज होने वाला है और रोमांटिक सॉन्ग है, तो जो सारे कपल्स हैं, जो लवर्स हैं, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। और वैलेंटाइंस डे के आसपास रिलीज़ हो रहा है। बहुत प्यारा सॉन्ग है और अखिल सचदेवा जी ने गाया, जिन्होंने वो गाना गाया था सुन मेरे हम सफर। तो बहुत प्यारा ही गाना है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको बहुत पसंद आएगा। आप बहुत सारा प्यार दिया। आपकी फेवरेट प्लेस पर ये शूट किया गया है चंडीगढ़? मेरे उडारियां के सेट पर शूट किया गया है। क्या बात है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहाँ पर मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। और सरगुन मैम भी मिले, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा खेला, तो बड़ा अच्छा लगा। अभिषेक भाई भाई सर मैंने आज इनविटेशन भेजे जिनको नहीं, मतलब मैं जो पर्सनली भेजना चाहता था, बाकी मेरी टीम ने सारा काम कर दिया था। अब से भाई सेंटर में जो लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो सारे लोग आ गए, मैं नहीं मिल पाया। आने वाला खास मुनावर आने वाला है, लेट हो गया क्योंकि मैं लैंड चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ पे आया, तो मैं थोड़ा सा लेट। मुनावर के पहचान से आने का हाँ मैंने बात तो की है, वो किसी रिहर्सल्स में बिजी है कुछ, उसका भी आने वाला है, तो मैंने बोला कि आ जाना यार 10 मिनट के लिए आएगा। अभिषेक दोस्ती पक्की है क्योंकि हमारी वीडियो कॉल में इतनी बातें होती हैं, इतनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी बातें होंगी, बट अब बहुत बातें। अभिषेक मुनव्वर का अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो आउट हुआ है, वो आपने देखा? नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं मेरे पास ही टाइम नहीं था और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया, प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा बिजी था। अभिषेक आपका मीटअप बहुत अच्छा रहा, आपके फैंस हमने देखे बहुत क्रेजी हो रहे थे, क्या कहना चाहोगे? आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ, तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फ़ोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ, सबके साथ फ़ोटो क्लिक करके। मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, कि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवाया, तो अच्छा लगा। बहनों से मिलकर आपका क्या? मेरे लिए बहुत ही अलग मोमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, कि ऐसा सब पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय श्री राम, जय माता दी कि मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। अभिषेक, बहन लोग का क्या रिएक्शन था? आपसे हग करके बहुत इमोशनल हो रहे थे, वो क्या कहना चाहूँगा? वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरी उडारियाँ में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ। तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हक किया, वो लोग बहुत प्राउड थे। प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभिषेक भाई, पैर वाला स्टाइल आपका, पैर वाला, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, थैंक यू उसके। सोलो बाइक नहीं होगी, नो नो वन ऑल वन प्लीज यार, नो वन ऑल वन प्लीज। सुनिए ना, पीछे, दोनों पीछे। ऐसे जी राइट में देखिए, राइट, यहाँ पे अंकल, ऐसा जी इधर आइए, कारपेट ऐसा जी आइए, इधर ही आइए, बस इधर ही, यहाँ पे सामने मेरे शर्म आ रही है। ऐसा जी यहाँ पे, ऐसा जी राइट में देखिए, यहाँ पे देखिए ना, ऐसा जी इधर भी, इधर आपके लेफ्ट में सेंटर ऐसी राइट करना पड़ेगा, इधर थोड़ा यहां पे मैम, यहां पर आइए आप, थोड़ा आगे माइक करते मैम, माइक के पास ये रखिए, थोड़ा इधर मैम, हां ठीक है, ऐसा जी यहां पे बोल रहे हैं, ऐसा जी यहां पे ओके, बाइट कर, क्या चाहिए आपको बाइट में? बाइट में ये चाहिए कि यहाँ पे आए हो अभिषेक के साथ, पार्टी में आए हो, क्या करने वाले अंदर ही बताओ। मैं जस्ट अभिषेक की ग्रोथ से बहुत खुश हूँ और मैं उसको सिर्फ कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। एंड मैं शूट पे थी बट मैं कल ही वापस आई, एंड बिकॉज इट वाज अभिषेक, इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, वरना मैं बहुत थकी हुई थी, ना आ पाती, बट अभिषेक के लिए आ गई। सरप्राइज है, बट आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग इन अ फिल्म इन द साउथ, सो साउथ में तो मैं पहले से फिल्म करी थी, हाँ, कुछ एक सॉन्ग कर रही हूँ मैं, एक स्पेशल सॉन्ग, एंड इट्स इन द फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी, सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग। आई जस्ट होप जब रिलीज़ हो तो आप सभी को बहुत पसंद आए, बहुत मेहनत की मैंने, आई स्वेयर कमर टूट गई मेरी करते करते डांस। आपने पोस्ट किया था मुनावर के फैंस लगातार आपको गलत तरीके से बोल रहे हैं, नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, फैंस ने कुछ गलत बोला है, क्या कहना चाहिए उसको लेके आप? नो क्वेश्चंस, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, आई एम सॉरी, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। अच्छा, ये जानना चाहेंगे बिग बॉस के बाहर आने के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई है और कितना कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कितना सक्सेस मिल रहा है? काम वाइज तो जो पहले काम छोड़ कर गई थी, जो थोड़े अधूरे कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर रही हूँ फिलहाल, नए काम आ रहे हैं बट मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ चीज़ों को लेके, तो बस अच्छे और बड़ी चीज़ का वेट कर रही हूँ। सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको ये बताओ पहले मुझे, ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो, बहुत अच्छे से याद हो, कहाँ से सुन रहे हो ये सब? बहुत सारी खबरें आ रही, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए। और एक फोटो भी वायरल हुआ था, पार्टी हुई थी, पार्टी भैया के साथ यार, गेट टुगेदर था यार, छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज। नहीं लेकिन पार्टी में क्या हुआ था कुछ? अगर कुछ नहीं, हम सब विकी भैया जस्ट एविक्ट हुए थे, तो शो से रिलेटेड, एविक्शन से रिलेटेड एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ वाली। तो विकी भैया आ रहे हैं, विकी भैया बात हुआ से आज आने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मेरी बात हुई बट जहाँ तक मैं जानती वो बिलासपुर में है। ओके, डे बाय डे आप बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। अच्छा, पहले नहीं थी। नहीं, मतलब हर रोज नए नए ड्रेसेस में आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभिषेक के भी एल्बम आ रहा है, आपका भी एल्बम आ रहा है, के साथ में दोनों एल्बम बनने वाला है। अभिषेक का एल्बम आ रहा है, हाँ, और आज ही मैंने पोस्टर देखा अभिषेक और मनारा दोनों का, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। कंपटीशन तो नहीं है सॉन्ग के लिए? कौन सा कॉम्पिटिशन? ये दोस्तों से कॉम्पिटिशन थोड़ा ना होता है यार, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आयशा, अगर आपको ये ना अपॉर्चुनिटी मिले दो लोगों में से किसी एक को चूज करने का फॉर म्यूजिक वीडियो एज एन I won't like to answer that question. As an artist, I can work with anybody. I don't mind. I don't want to answer that question. बोल दिया ना यार, बार-बार क्या यार? एक ही सवाल को बार-बार बोल। मैं actually shoot पे थी, show के बाद मैं हैदराबाद में थी. I'm so sorry. मैं हैदराबाद में थी तो I think सबसे ज़्यादा मैं आप ही लोगों से मिली हूँ. सबसे ज़्यादा मुलाकात मेरी आप लोगों से हुई है और बाकी अभी अभिषेक से मिली हूँ. ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाई but I am hoping to see everybody here today. हाँ, it's all chill, it's all cool. She's really a nice girl. Show में थोड़े you know वैसे situations और circumstances होते हैं, but she's a nice girl. I'm hoping to see her today here. आखिरी में बात है, favorite कौन सी song पर dance करने वाला है? क्या करने वाला है आप? आप बताइए किस गाने पे dance करना है, मैं कर लूँगी. जिस तरह की आप लोग ट्यूनिंग बैठे हैं, बॉलिंग बैठे हैं, दोनों चुनरी ठीक है. जिस गाने पे बोलेंगे आप मैं डांस करूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक यू. हाय हेलो. पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा है. डबल सेलिब्रेशन है. एक तो बिग बॉस की पार्टी है प्लस हमारा नया गाना सावरे का पोस्टर लॉन्च हुआ है. सो वेरी मच एक्साइटेड. इट्स विद देसी म्यूज़िक फैक्ट्री एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस ब्रांड. ग्लैड टू एसोसिएट एंड बॉम्बे आई एम लविंग योर वाइब. आई लव यू बॉम्बे. शूट का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा. चंडीगढ़ गई तो मैं एक भी मिनट हिंदी में नहीं बात करी थी. पंजाबी एंड फुल ऑन पंजाबी एंड बहुत मज़ा आया. ठंड भी बहुत थी. मेरे सारे कज़न्स आए मुझे अम्बाला से मिलने जो मेरी नानी का घर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सेट पे भी बहुत मज़ा आया. चाय वाले वीडियो पे सब खूब गाने बजा रहे थे माइक लेके फ़ोन पे रख के एंड बहुत सारे यू नो लोगों से वहाँ पे इंटरेक्शन हुई. फीमेल फैंस, छोटे छोटे बच्चे इतने होटल लॉबी में मिले एंड दे वर लाइक मनारा दीदी वी लव यू. सो थैंक यू सो मच. आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया. अभी पहली बार मैं स्टेप आउट करी थी यू नो इन अ पब्लिक डोमेन आउट ऑफ मुंबई और जो जो प्यार है वो बहुत ओवरवेलमिंग है. सो थैंक यू सो 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 मच. सॉन्ग का नाम ही सावरे है तो ऑफ कोर्स सब समझ ही सकते हैं. एंड पोस्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है. बहुत कंपोज करके बनाया है हमने. दोनों के सेम आउटफिट्स हैं एंड एवरीथिंग. जो पहला पोस्टर आया है एंड बहुत ही अच्छा गाना है. अखिल सचदेव का गाना है. इट इज़ गेटिंग रिलीज बाय देसी म्यूज़िक फैक्ट्री. सो आई एम हैप्पी. शूट के मैंने इतनी ठंड में शिफॉन की साड़ी पहनी थी तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी. मुझे अभी बस इतना ही याद है. ओके, गाना कुछ समय बाद ही आ जाएगा. क्या कहना चाहोगे? मतलब कुछ दिनों में आ जाएगा गाना. तो कितनी एक्साइटमेंट है. कितना ट्रेंडिंग नंबर 1 हो सकता है. ओह माय गॉड. और मिलियंस, कितने मिलियंस होने वाले? 100 मिलियंस व्यू. ओह वाओ. 300 मिलियन व्यूज हुए. आप सबके मुँह में घी शक्कर. एंड आई होप जैसा आप मेरे लिए प्रे कर रहे हैं बिकॉज आप सब हैं, मीडिया है, तभी मैं हूँ और आप लोग सब मुझे इतनी अच्छी गुड विशेज़ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आप वर्ड्स में नहीं बता पा रही. आपको पता है ना कभी कभी मैं बोल नहीं पाती. आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे गई तो कहीं पे आ गया था दैट शी इज़ गोइंग टू LA कि मैं LA जा रही हूँ. नहीं, मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ. काम करना है मुझे. मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है. सॉरी I don't know. I haven't really. I can't really comment on that. But हाँ, मतलब Colors, Endemol, Viacom, they are like family. तो जब वो बुलाएंगे, of course मेरा जाना बनता है. But as of now, मैंने इतना नहीं सोचा because मुझे phobia बहुत है इन सब चीज़ों का. So I'll think about it. अगर आपको I don't know about that. अभी तो इसके बाद मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है तो I'll be busy with those promotions and let's see. जो भी डेस्टिनी में होता है वो तो होके ही रहता है. I think we share a great bond inside the house and I wish him all the best for his future endeavors. Thank you so much. Thank you. I love you all. क्या हुआ? ऊपर या ऊपर आपके एयर रिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, चमक रहे हैं। अच्छे है ना एयर रिंग, मुझे पता था, मैंने डिसाइड कर लिया। सेंटर आई जस्ट गेट माय हो गया फिर से। हाँ? लिपस्टिक लगा रहे हो क्या फिर से? नहीं नहीं, अभी लिपस्टिक लगा दिया, बार बार नहीं लगाती है। चलो हमें पार्टी करना है ना, पहला पार्टी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद, और गाना रिलीज होने वाला है तो डबल पार्टी तो बनता है। अभिषेक भाई आ गए भाई, आप सोलो में मिले ही नहीं, आप तो पिछले दिनों से मिले ही नहीं है। आप सोनिया जल्दी निकल गई यार, इसको लाइन मारना था, नहीं हो पाया बेचारा। तो अभिषेक तो हमेशा ही ब्यूटीफुल गर्ल्स के आसपास रहते हैं, ये बिग बॉस के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। बट अभिषेक यू लुकिंग हैंडसम, नॉट मोर देन यू ब्यूटीफुल। इंग्लिश सीख के आया अंदर से मैं। That's Abhishek for you all. अब आपको पता चला हम लाइव कैसे होते हैं। घर के अंदर सोचो कितना मस्ती मारते हो और थोड़ा सा लड़ते हो। बहुत लड़ रहा, आज तो हम सेट पे भी लड़ पड़ते कल। हाँ, almost. बिग बॉस वाली बातें हो रही थी वहाँ पे। हमें फील आ रहा था बिग बॉस का थोड़ा सा। बट आप सांवरे प्रमोट करो, हमारा सांवरे गाना आ रहा 12 तारीख को। इनका सीरियसली लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो स्टार्टिंग से ही प्रमोट कर रही हूँ, और अभिषेक तो है ही हमारे लाइन मार रहे हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, अभिषेक भाई आप लोग इनका गाना देखें, अभी इतने दिन बाद ये बाहर निकल के आए हैं, कैसा लगा होगा अचानक शूट पे जाना? आपको 2 हफ्ते अंदर आया, कैसा लगा था? मुझे इनफैक्ट मुझे काम आने लगा तो फिर मैं अपने में बिजी हो गई, बट वो इतना लंबा जर्नी करने के बाद कैसा लगा होगा अचानक शूट पे? हम बोट पे सेल करते करते अकेले पहुंच ही गए। बहुत मजा आया, और बहुत लोग आके पूछ रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, निकल रहा। बट बहुत अच्छा शूट हुआ, एक्चुअली बहुत अच्छा शूट हुआ है, और बहुत ही रोमांटिक है, रोमांस, और इनफैक्ट मेरा रियल रोमांस निकल रहा था मेरा मनारा के साथ। तो प्लीज़ देखना 12 तारीख को, 12 तारीख को प्लीज़ देखना। 9th को टीजर आ रहा है और 12th को रिलीज हो रहा है। ये आपने तीसरी बार पूछा। मुझे लगता है इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना इस बारे में, कोई बात नहीं कर सकता। मनारा से पूछिए, मनारा जा रही है, मनारा जा रही है। ऑलरेडी बिग बॉस के घर में काफ़ी खतरों वाले खिलाड़ी थे जिनको मैं देख रही थी, और उनके बीच में से निकल के आगे तक पहुँची। तो अभी थोड़ा मुझे पार्टी करने दो, और बाकी पार्टी के बाद बताऊंगी नेक्स्ट। पार्टी के बाद वाइब के बाद बताएगी कि मनारास वाइब जो चल रही है वो खतरों में जाएगी या नहीं। अभी एक खतरे से निकली हूँ यार बिग बॉस की, अभी एपिसोड्स तो देखी हूँ अपने सारे, क्या किया मैंने। सोनिया भी जा सकती है। आना तो बता दो कि आपकी फैमिली कौन है, जा रही है सोनिया भी है मनारा भी, फाइनल कौन है? देखो पहले मुझे बोल रहे थे कोई भी नहीं, अभी आप 3-3 नाम जोड़ रहे हो। देखो कहाँ मेरी उपलब्धियाँ कहाँ पहुँच गई। नहीं नहीं सर, अभी कोई भी नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इनको डेट कर पाऊँ। इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। मनारा आप खाली हैं, आपको मैं पसंद हूँ, मनारा को चाहिए। मनारा को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो जो भी मुंडा पंजाबी विच गल करता, मनारा आधी फ्लैट तो वैसी हो जाती है, तो ये तो साडा पंजाब का शेर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोली सेम है। बाकी आप देख लेंगे। बाकी मैं इन्हां दी मम्मी नाल गल कर ली। नहीं नहीं कि गाना कदों रिलीज होना उहदे बारे। रवि सर को मैंने बोला था, बट आई थिंक वो बॉम्बे में नहीं है, अभी कॉल करता हूँ उनको, आ जाए तो। मैं सरगुन जी को वो सेट पे मिला। हाँ कल मैं सरगुन मैम को मिला, तो वो भी बहुत खुश थे, तो आ जाए तो अच्छा ही है। जी। चलो गाइस, थैंक यू। साडा नया सॉन्ग आ रहा है देसी म्यूजिक फैक्ट्री ते। सॉन्ग का नाम है रिलीज हो रहा है 12 को, और पोस्टर हम दोनों के इंस्टा पे और सारे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। बहुत रोमांटिक है। जो मैं और अभिषेक को आपने इतना, जो मैं बिग बॉस में रोमांस नहीं कर पाया मैंने बाहर, तो आप हम सब और हम सब लोग मिल जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Chalo. अभिषेक से मिलने के लिए, और कल बहुत रैंडमली मैंने उसे ऐसे ही मैसेज किया, तू आ गया वापस मुंबई की पंजाब में? तो उसने बोला नहीं आ गया हूँ, बस तुसी दसो मिल रहे हैं ऐसी कल पार्टी शार्टी है। तो ऐसे अच्छा ठीक है, जनरल कुछ होगा। तो बोला इनवाइट आएगा ये वो, ऐसे अच्छा फिर आया आना। आई सेड ऑब्वियसली आऊँगी, तुझसे मिलने तो आऊँगी ना, चाहे तुझे मिल के चली जाऊँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम एंड क्यूटी पाई लग रहा है एज यूजुअल। आई नो कितना सेक्सी था यार, सुपर्ब था, बहुत अच्छा था। बहुत खुशी हुई देखकर मुनव्वर का भी और अभिषेक का भी फैन में पूरा। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली बोलती आई कि आई यू नो टू बिगिन विथ आई जस्ट होप अभिषेक और मुनव्वर सलमान सर के आजू बाजू में खड़े रहे। एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा ऐसा था कि आई थिंक ये लोग ही रहेंगे। अच्छा टॉप 3 यू नो आई मीन, एंड सब ने सवाल किए ही थे टॉप 3 टॉप 5 वाला। तो मेरा हमेशा यही रहा था कि मुनव्वर और अभिषेक रहे, बाकी ऑफकोर्स जीतेगा कौन ये तो हम में से कोई नहीं जानता। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो एटलीस्ट मैंने दुआ की, जो मैंने चाहा अभिषेक और मुनव्वर के लिए वो हुआ। सो आई एम स्टैटिक अबाउट इट। ये तो होंगे ही होंगे, इनके साथ मैं भी हूँ। जी, अरे बहुत एक्साइटमेंट है। लेट नाइट्स होती जा रही हैं, मोटे हो जाएंगे ऐसी खा पी के। इतना अच्छा खासा बिग बॉस ने हमें रिड्यूस करवाया है, तो थोड़ा वो ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश करते हैं कुछ खाए पिए नहीं ज़्यादा, बट एक्साइटिंग है। सर अभी कुछ कॉल्स आई हैं, सम आई हैव लाइक सम आई हैव नॉट लाइक, बट जैसे ही कुछ होगा बी रेस्ट अश्योर्ड ये पूरी भीड़ आएगी कवर करने के लिए। Okay. 100% नया क्या, बहुत धमाल करेंगे, बट कुछ अच्छा डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करेंगे। मुनावर का भी एक नया सॉन्ग आने वाला है और अभिषेक का आने वाला है, क्या कहना चाहोगे? मनारा के साथ फर्स्ट है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमें ये जानकारी अभिषेक ने बताई कि मुनावर का भी सॉन्ग आ रहा है, जी रिहर्सल कर रहे हैं, जी क्या कहना चाहोगे? आई एम वेरी हैप्पी कि अभिषेक और मनारा का नया गाना आ रहा है, एंड मुनव्वर भी अपने नए गाने की तैयारी में लगा हुआ है ऑलरेडी। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। मतलब मेरा बड़ा मन करता है उनको बोलने के लिए, यार मुझे जैसे मुनव्वर, मेरी कल बात हुई तो ऐसे वो जा रहा था अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने बोला यार मैं मन किया बोलने का कि मैं भी आऊँ, मैं पता चले वहाँ जाके मैं चीख चिल्ला पड़ूँगी ये ऐसे। लेट हिम डू हिज वर्क, क्रिएट हिज म्यूजिक, एंड फिर हम सब सुनेंगे बढ़िया सा गाना। मैंने देखा और क्या बोले, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ फैब्यूलस। एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया बे? तो बोला अरे यार ये मुझे इम्प्रॉम्प्टू आया था, पर जब मेरा होगा भी रेस्ट अश्योर्ड आप फर्स्ट रो में होगी। ऐसे और तू मेरी खिंचाई करेगा। All I have to say is any publicity is good publicity for both. So that's all I have to say for Elvis GB and for Munawar also. As far as there's publicity, that's what matters, sweetheart. Thank you so much, guys. Thank you. हाँ जी. अच्छा इधर आती हूँ फिर इधर आती हूँ. Okay, so that we're not all confused. अच्छा. Sorry. यहाँ पे थैंक यू हाँ जी चलो Thank you. So, hi. Hi. We would like to know reunion हो रहा है Big Boss 17 contestants के साथ. What do you have to say? To the Big Boss contestants. Reunion party. Yeah, the reunion is बहुत अच्छा. I'm very happy to see everybody, especially Abhishek, as you know. Yeah. And it's very nice to see everybody. It's like a family. So I'm very happy to see everybody. Very good. I know. I need to go and do it now. I just arrived like 10 minutes ago. I'm just settling in, but I was very happy to see him. He was very happy to see me. So let's see what happens. Munawar Faruqi's new song is coming. Munawar is coming. Yes. Of course, Munawar. He's very good. He played the game very well in Big Boss, and I'm very happy to see him again. And I'll see him again in the next day or so for the Big Boss finale party also on the 9th. Yes, I know. I'm going around Mumbai learning more about the culture, hopefully trying to improve my Hindi. But I think a lot of my followers and audience, they like it. You know, I'm like the Big Boss international contestant exploring Mumbai, and I really enjoy it. It's very good. Bahut acha. Next party is on 9th of February. Yes. Yes, I think 9th of February is going to be very good. I think everybody's going to come together. It's going to be one party, and you know, like Manara says, party vibe. Yes. Finally, you are meeting everyone today. So we would like to know with whom you have, you know, friendships over or enemy. No, but to be honest with you, I've become good friends with everybody, like Neil, Rinku, Aisha. Even though I haven't been with Aisha in the house, she's still a very good friend of mine. So I'm happy to see everybody. I have no problem. Everybody's very good. We're like family. Yes, I know. I'm very excited to see the video with Abhishek and Manara. I think they're beautiful together. And I just hope Manara doesn't take him away from, you know, from me, you know, with Abhishek. And I'm very proud of them. They're very deserving, and I wish them the best. Thank you so much, you guys. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you so much. See you guys. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. जल्दी करो भाई. अभिषेक भाई की पार्टी है, बैक टू बैक बिग बॉस से बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अभिषेक भाई बहुत मजा आ रहा है. फिनाले के बाद हम लोग सब फर्स्ट टाइम मिले हैं आज। तहलका जी की पार्टी में बिग बॉस चल रहा था तो सब लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज सब लोग मिले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो मेरी ही बात करूँगी, मैंने कहीं कभी किसी से अंदर भी लड़ाई नहीं की, तो मेरे तो सभी से अच्छे रिश्ते हैं। बाकी जो लड़ाई करता था आप उनको पूछो, वो बेटर रहेगा, वो लोग ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे आंसर देने के। अच्छी बात है, उनको फैन ने यहाँ तक लेके आए। बिग बॉस की जर्नी में फैंस का बहुत योगदान रहा है, तो मीटअप होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली से मिली, वो बहुत पर्सनल मीटिंग था, इसलिए शायद घर पे गई थी मैं, तो वो चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगी। जो मेरा और मुन्ना का रिश्ता है वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल लेवल पे है, तो मैं वहीं तक रखना चाहूँगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जो भी मैंने अभी तक पोस्टर देखा, पता चला अभी 9 फैब को रिलीज़ हो रहा है टीज़र, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। सबकी अच्छी बात है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड, करना ही चाहिए काम, सबको अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग। मुन्ना वेब सीरीज़ भी आ रही है शायद मुन्ना की, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। आपके बारे में मतलब क्या कर रहे हैं अभी, क्या चल रहा है, बना रहे हैं अपने? मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। नहीं, बहुत धमाके कर लिए, अभी नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। वो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी अभिषेक और मुन्ना को पूछ लेना, मैंने घर के अंदर ही उनको, एस्ट्रोलॉजर ने तो बहुत एंड में बोला, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, और अभिषेक को बोला था, अभिषेक तू ये 15 दिन संभाल ले, स्टार्टिंग वाले तू हीरो बन के बाहर निकला था। अब भी मैंने यही बोला, बताया हाँ जिग्ना जी आपने मुझे यही बोला था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था, दोनों ही बच्चे आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है। तो जब अपना घर का कोई फैमिली मेम्बर सक्सेसफुल होता है या अच्छा करता है लाइफ में, वी फील गुड, वी फील एक्साइटेड। So what are you asking exactly? Okay, I don't know. That's good यार, मुझे पता नहीं इस बारे में ऐसा कुछ हुआ है, I don't know. Song shoot हुआ था वो पता है, but कहाँ हुआ है वो? No idea. हाँ, song shoot हुआ था ये मालूम है। ठीक है, last question guys, last question. जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप लोग टॉप, मैं तो टॉप 2 में हूँ, आप चलो चलो ओके, बट इट्स फनी, वो ही इज अ फ्रेंड एंड वो ऐसी बात, इट्स एक टीज। चलो थैंक यू, Priyanka. अभिषेक के लिए क्या बात है दादा अभिषेक को बोलो कैसे हाँ अभिषेक आ जाए वेरी हैप्पी स्टैंड अप कॉमेडी आते के साथ मुझे डालने का मौका मिला और जब भी इतना प्यार आता है ट्रेंड कर रहा था वीडियो तो और भी खुशी है। थैंक यू सो मच। पहले से कितना अलग एक्सपीरियंस वाला इस बार के स्टैंड अप कॉमेडी में आपके लिए यू नो इस बार आपकी फैन फॉलोइंग पहले भी थी लेकिन इस बार कुछ अलग लेवल कितना अलग एक्सपीरियंस। वो स्टेज मेरे लिए हमेशा इतना ऊपर रहा है कि वो कभी नीचे नहीं आता है तो हमेशा मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहा है। तो स्टेज पे जब भी मैं जाता हूँ जैसे मैं पहले दिन स्टेज पे गया था वैसे ही फील होता है। सॉन्ग लॉन्च हो गया पोस्टर लॉन्च पोस्टर मैंने नहीं देखा जेन्युइनली आज मैं थोड़ा ऑफ था सोशल मीडिया बट मैंने देखा नहीं है बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा। अभी दिखा ना मेरे पास भी शायद डिलीट कर दिया मैंने वो सच में आ गया पोस्टर। हाँ ब्रो ओ ब्रो एक नंबर ऑल द बेस्ट। मेरा भाई को बहुत ज़्यादा प्यार और बधाइयाँ। और ये गाना मैंने सुना है ऑडियो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग अबीरा क्या होता है अच्छा ये और मनारा अबीरा कैसे हुआ अबीरा वैसे मुनारा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने देखा अभिषेक का और मनारा का वीडियो दोनों को ऑल द बेस्ट और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुनारा के लिए वेट कर रहे लोग। हाँ तो वेट ही करने दो वो वेट ही रहेगा। नहीं नहीं मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस वगैरह है जो ऑलरेडी प्लान है शूट भी है तो अब वो देखते हैं कब रिलीज़ हो रहा है। भाई अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं। इनका यही क्वेश्चन वही सोचा मैं मतलब कोई पूछ क्यों नहीं रहा वाला सवाल। जी 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 बना रहे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिहर्सल्स भी चालू है सब कुछ चालू है तो बस बना रहे कंटेंट बना रहे ऑडियंस को देने के लिए बढ़िया वाला। आपने तो बोला गलत अफवाह है क्लियर। मुनावर आपको मनारा के साथ नहीं देखा जा रहा है बिग बॉस के बाद आपको अभी तो अंदर से हम लोग 105 दिन रहने के बाद जब बाहर आते हो बहुत सारा एक डिफरेंट अटेंशन है डिफरेंट लोग है अपॉर्चुनिटीज है काम है तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर भी निकले तो मिले ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी अपना अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए बिजी रहना चाहिए लोगों को। ज़्यादा मिलेंगे तो लड़ाइयाँ ही होंगी बिग बॉस ही मिल जाएगा। 105 दिन साथ में थे अभी नहीं मन करता एक दूसरे को देखने का। मिलते रहेंगे इस तरह का कुछ भी शो इवेंट होता है या कुछ भी काम रहा तो मिलते रहेंगे ऐसा है बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अभिषेक तो मुझे मैं और अभिषेक 2-3 बार मिलने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द शेड्यूल बट इट्स ऑल चिल। अभिषेक नहीं आ सकता मेरे घर पे क्योंकि उसको क्या है भाई क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है कौन सा फ्लोर है। हाँ 40 40 40 40 फ्लोर तो वो नहीं चढ़ पाएगा। हेलो एवरीवन द बॉयज रियूनियन टॉप 3 एक दो विनर है तीन विनर है अभी और ये किस कैटेगरी में है? विनर फ्रॉम एलए। कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर, बट वी आर वेरी हैप्पी ऑन योर सक्सेस एंड मे यू राइज एंड रीच मून। थैंक यू सो मच। एक दिन लड़ाई हो रही थी, मसाले वाला सिस्टम था ना, तो ये कह रही थी स्टे अवे फ्रॉम मून। मैंने कहा केड़ा मून है उरे। हाँ, हमारे सॉन्ग में था, मैं और अभिषेक गाने के लिए बैठे हैं और वहाँ हम मून को देख के वी आर फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड देन प्रोबेबली वी सेड दैट। मैं वैसे भी रोमांटिक फील कर रहा था मनारा। ठीक है, और अभिषेक है तो मैं भी रोमांटिक फील ऑलमोस्ट। सांवरे के लिए ऑल द बेस्ट दोनों को। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और आप वो सांवरे के बारे में क्वेश्चन है वो पढ़ा? नहीं, हो गए वो क्वेश्चन। चलो, सावरे के तो क्वेश्चंस हो ही गए हैं सारी। सावरे इज डन एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। चलो, थैंक यू सो मच। इग्नोर किया जल्दी करो भाई। रेडी? बेटा जी, अभिषेक भाई की पार्टी है, बैक टू बैक बिग बॉस से बात कर रहा है, क्या बोलना चाहते हैं अभिषेक भाई? बहुत मज़ा आ रहा है। फिनाले के बाद हम लोग सब फर्स्ट टाइम मिले हैं आज। तहलका जी की पार्टी में बिग बॉस चल रहा था तो सब लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज सब लोग मिले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो मेरी ही बात करूँगी, मैंने कहीं कभी किसी से अंदर भी लड़ाई नहीं की, तो मेरे तो सभी से अच्छे रिश्ते हैं। बाकी जो लड़ाई करता था आप उनको पूछो, वो बेटर रहेगा, वो लोग ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे आंसर देने के। अच्छी बात है, उनको फैन ने यहाँ तक लेके आए। बिग बॉस की जर्नी में फैंस का बहुत योगदान रहा है, तो मीटअप होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली से मिली, वो बहुत पर्सनल मीटिंग था, इसलिए शायद घर पे गई थी मैं, तो वो चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगी। जो मेरा और मुन्ना का रिश्ता है वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल लेवल पे है, तो मैं वहीं तक रखना चाहूँगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जो भी मैंने अभी तक पोस्टर देखा, पता चला अभी 9 फ़रवरी को रिलीज़ हो रहा है टीज़र, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। सबकी अच्छी बात है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड, करना ही चाहिए काम, सबको अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग। मुन्ना वेब सीरीज़ भी आ रही है शायद मुन्ना की, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। आपके बारे में मतलब क्या कर रहे हैं अभी, क्या चल रहा है, बना रहे हैं अपने? मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। नहीं नहीं, बहुत धमाके कर लिए अभी नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। वो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी अभिषेक और मुन्ना को पूछ लेना, मैंने घर के अंदर ही उनको, एस्ट्रोलॉजर ने तो बहुत एंड में बोला, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था और अभिषेक को बोला था, अभिषेक तू ये 15 दिन संभाल ले, स्टार्टिंग वाले तू हीरो बन के बाहर निकला था। अभी मैंने यही बोला, बताया हाँ जिग्ना जी आपने मुझे यही बोला था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था, दोनों ही बच्चे आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है। तो जब अपना घर का कोई फैमिली मेम्बर सक्सेसफुल होता है या अच्छा करता है लाइफ में, वी फील गुड, वी फील एक्साइटेड। आपके लोगों की उड़ारिया में था अभिषेक, आप ही के उड़ारिया में उसी के सेट पर ही गाना बहुत शूट हुआ है, उस टाइप पे मतलब उसी सेट पे गाना नहीं हुआ है अभिषेक का, काफ़ी सेट पर काम किया। किस तरह का सेट है बताइए, सेट जो चंडीगढ़ में सेट है उड़ारिया का। सो व्हाट आर यू आस्किंग एग्जैक्टली? अभिषेक का मनारा का म्यूजिक वीडियो शूट हुआ। ओके, आई डोंट नो, दैट्स गुड। यार मुझे पता नहीं इस बारे में, ऐसा कुछ हुआ है, आई डोंट नो। सॉन्ग शूट हुआ था वो पता है, बट कहाँ हुआ है वो नो आइडिया। हाँ, सॉन्ग शूट हुआ था ये मालूम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। आप दोनों का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट एक साथ आप दोनों कुछ करने वाले हैं? जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप लोग टॉप, मैं तो टॉप 2 में हूँ, आप आपने देखा वो? ओके, बट इट्स फनी, वो ही इज अ फ्रेंड एंड वो ऐसी बात, इट्स अ टीज। चलो, थैंक यू, थैंक यू। भाई इधर भी आइए। क्या बात है, नाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इंटरव्यू करते हैं सर। थैंक यू। या यस सर, बताइए सर, आप अभिषेक की पार्टी में आए, क्या धमाल क्या करने वाले हैं? सेंटर पे पार्टी तो धमाल करने के लिए होती है। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक यार, इट्स बिन अ वाइल। फ़िनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था। एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ, प्रॉपरली अभी मिला उसे। एंड या आई मीन वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। घर में तो काफ़ी फाइट हो गया, बाहर भी कुछ ऐसा होने वाला है या क्या पार्टी होने वाला है, क्या होने वाला है? इधर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं ना, इधर कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ डांस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस बोल के नया जर्नी में स्टार्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मतलब म्यूज़िक बजेगा, डांस करेंगे यार, सब डांस करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर, अभी आए हैं, सब मिले हैं। उन्हीं से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया तो मैं आ गया बाहर। ऐश्वर्या आपके साथ कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? आप, आई होप जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। आपके मुँह में घी शक्कर यार। जी, I'm very happy for them and congratulations to them. Seriously, all the best. Okay, इसी के साथ-साथ मेरा मुनव्वर का भी नया सॉन्ग आने वाला है। In fact, video भी एक out हो चुका है। Okay. I have not seen it yet. But I'm sure he's great यार। मैंने उसको अंदर बोला था, मैं तेरी comedy का perpetual fan हूँ, मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था। वो जो at least show में जो करता था, इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था, पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो वो जोक्स मारता था वो कमाल के थे यार। यार इमेंस फैन फॉलोइंग दे हैव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सीरियसली, बहुत आई थिंक इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट जब इतने लोग आपके फैंस होते हैं। सर एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब निकले आप, अंकिता के साथ मुलाकात हुआ, किस तरह के बोले कि आप लोग काफ़ी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है? अभी तक मतलब कुछ मिलने का प्लान उन्होंने बना कि भाई मिलने, अभी तक बना ही नहीं है। आई थिंक घर से निकलने के बाद सब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो आई थिंक कोई अभी तक वैसे प्लान बना नहीं है। अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी करना था, ये खबर आ रही है कि अभिषेक को मनारा खतरों के खिलाड़ी यू नो शो एक्सेप्ट किया है, अच्छा उनका जो प्रपोजल था, तो क्या इस बार नील दिख सकते लास्ट सीजन में ऐश्वर्या जी को? आई डोंट नो यार, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड एंड अभी तक मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो। एक बात फाइनली, आप लोगों को लग रहा है कि अच्छे जोड़ी खेले था, आप ऐश्वर्या खेले था, आपको काफ़ी जल्दी निकाल दिया, मतलब तो इस तरह कुछ लग रहा है आपको? आई थिंक 11 हफ्ते गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन से, सो वी आर हैप्पी विद आवर जर्नीज। कुछ लोग बोलते सेटिंग था बिग बॉस का, सही में सेटिंग था बिग बॉस? किसके साथ आपको कॉल आया था? आपने सेटिंग किया था बिग बॉस के साथ? क्या मतलब खाली कंट्रोवर्सी के लिए आपको सवाल पूछने बस? आप उसको पूछिए जिसको लगता है जिसकी सेटिंग हुई है, आप मुझे मत पूछिए। जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे ही कुछ साइन करूँगा आपको पता चल जाएगा। आप कब गाना गाओगे? आपके गाने के ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ मैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चाबी अभिषेक भाई थोड़ा पीछे हो, बस जाओ यार, आगे मत जाओ यार। थैंक यू। बस अरे एक मिनट, भाई रुक जाओ। अभिषेक भाई आराम से यार, भाई फैन बहुत है, फैन को फूट दे दो। अरे यार जान दो आज हम देख सबको छाप दो। ड्राइवर रहना चाहिए था आपको। अरे कुछ नहीं, इसके लिए जान दे दो भाई। सबको छापते हैं आजा। कितना एंजॉय किया आपने इसे बता दो। सबको मिली इतने टाइम के बाद एंड बहुत मजा आया। एंड यहाँ देखिए बोलो न्यू जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नया सॉन्ग आ रहा है सावरे मेरा, तो जरूर देखा अच्छा है, पोस्टर अच्छा लगा। मुनावर भी अंदर रहे उस, कितना एक्साइटेड थी और कितना एंटरटेन किया उनके साथ। सबको मिलके मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एंटरटेन थी। एंड अभी सबको मिले बहुत दिनों के बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट सबके साथ बोलना। एक ऑफकोर्स एक आदत हो जाती है सबको रोज सुबह उठ के देखने की बिग बॉस के मॉर्निंग प्रेयर के साथ, बट अभी आज सबको बहुत मजा आया। आज जल्दी सबको अपने घर में बुलाऊंगी। मुनावर के साथ आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो मेरा अभिषेक के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है सावरे विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस गाने को देखें और बहुत प्यार दें, क्योंकि आप मनारा को तो बहुत प्यार करते हैं। तो अब उसका पहला गाना आ रहा है, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। तो आई होप आप सबको बहुत मजा आए वो गाना देख के। 12 तारीख को रिलीज भी हो रहा है, तो गाइस अपनी रील्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। आपने नया बॉय भी रखा है क्या? येरा चलो आ जाइए। बनता ही है। कौन वैलेंटाइन होने वाला है आपका? मेरा वैलेंटाइन मैं बता दूंगी, वैलेंटाइंस डे को। NRI तेरा थंबनेल बनाऊंगा। आजम के संग भी हो जाए एक बार। आजम के संग। आजम। अरे नहीं बस फेमस करना है। इसके बाद ये मोबाइल दे रहे। अरे प्रीत भी है क्या इधर? अरे और बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर। सावरे आ रहे हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मैं तो ऑलरेडी मूड में हूँ। आपको पता है घर के अंदर दिवाली और क्रिसमस कितना मनाया था, तो वैलेंटाइंस डे यानी से है। एंड वैलेंटाइन डे इज कमिंग, Savre is coming for all of you. Watch Savre and give it all your love. It's coming on Desi Music Factory. मैं भी देसी और Desi Music Factory, तो हम दोनों की वाइब तो मिलनी ही थी ना। ठीक है, बाय 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 बाय। दरवाजा बंद करो। ओए भाई, घुस जाओ, एकदम जाने दो।